टीवीए, लोकी, सिल्वी, मोबियस, ओबी सब खत्म हो गए। तो भाई लोकी सीजन 2 का एपिसोड 4 द हार्ट ऑफ द टीवीए आ गया है एंड इट्स लिटरली डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। अब ना टीवीए बचा है, ना लोकी, ना सिल्वी, ना मोबियस, कोई भी नहीं। तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है सेक्रेट टाइमलाइन के सीन से, जहां पे मिस मिनट्स फाइनली बताती है रिवोना को कि वो कौन सा राज है जो उसे गुस्सा दिलाएगा। तो वो सीक्रेट एक्चुअली वही रिकॉर्डिंग रहती है जो हमें एपिसोड 1 में सुनने मिली थी, जिसमें आगे मिस मिनट्स को ये ऑर्डर देता है कि वो रिवोना के साथ साथ सभी की मेमोरीज को मिटा दे। फिर सीन शिफ्ट होता है विक्टर टाइमली के उसी रूम में आने से, जहां पे लोकी ने एपिसोड 1 में वॉल को प्रून करके सभी को कैंग की सच्चाई दिखाई थी। और इस शॉट को देख के कहीं ना कहीं लग रहा था, कहीं ना कहीं ये हिंट मिल रहा था कि विक्टर टाइमली का फ्यूचर एज कैंग नी कॉन्करर हो सकता है, जिसपे अपन आगे बात करेंगे। फिर विक्टर टीवीए को एक्सप्लोर करता है, जहां पे उसे वो वाली वॉल दिखती है जिसमें काउंसिल ऑफ कैंग्स की जो वॉर हो रही है वो है, और कैसे उसने टीवीए को बनाया है, एस्टैब्लिश किया और इन रोबोटिक्स गॉड को बनाया है, ये सब दिखता है। फिर उसके बाद लोकी और मोबियस आ जाते हैं, विक्टर को ओबी के पास लेके जाते हैं और फिर इन दोनों के बीच में एक छोटा सा फैन मोमेंट क्रिएट हो जाता है, जिसमें ओबी ये रिवील करता है कि उसने ये टीवीए हैंडबुक 19th सेंचुरी के एक मशहूर इन्वेंटर विक्टर टाइमली से सीख के, इंस्पायर होके, समझ के लिखी है। और हमें फाइनली ये सुनने भी मिलता है कि ओरोबोरस का मतलब क्या है। फिर देन ओबी और कैसी के पास एक प्लान रहता है लूम को पूरी तरह से ठीक करने का, जहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है जो प्रॉब्लम विक्टर को भी आई थी जब वो अपने छोटे लूम पे, यानी कि अपने पहले लूम पे काम कर रहा था, अंटिल उसने ये डिवाइस नहीं बनाया जिसका नाम मैं डेस्परेटली वेट कर रहा था कि अब पता चलेगा, लेकिन नहीं चला। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आगे जाके कोई बहुत बड़ा सेंस बनाएगा। फिर ओबी, कैसी और विक्टर साथ में मिलके अपने डिवाइस पे काम करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद लोकी, मोबियस और सिल्वी यहाँ से चले जाते हैं, जिस दौरान मोबियस बोलता है कि लेट्स ईट अ पाई, जिसमें सिल्वी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड मोबियस पे चिल्लाते हुए उसे समझाती है कि ये एक ऑफिस वर्क से बढ़ के होना चाहिए तुम्हारे लिए, ये कोई मजाक की बात नहीं है, यहाँ पे लाखों जिंदगियाँ दांव पे लगी हैं। जहाँ पे कहीं ना कहीं मोबियस को ये चीज़ रियलाइज होती है कि उसकी अपनी लाइफ भी सेक्रेट टाइमलाइन पे है, जिसकी वो बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और अनइंटेंशनली उसी पाय रूम में पहुँच जाती है, जहाँ पे लोकी उसे समझाता है थॉर का एग्जाम्पल देके कि कैसे जब ओडिन ने थॉर को बैनिश करके पृथ्वी पे भेज दिया था, तो वो जब वापस आया तो वो एकदम बदला हुआ था, तो उसे लगा कि वो कमज़ोर हो गया है, उसका मजाक उड़ाया। तो सिल्वी इस बात पे ये कहती है कि सॉफ्ट गेट्स यू किल्ड, और इस कन्वर्सेशन से ये चीज़ क्लियरली समझ में आती है और दिखती भी है कि सिल्वी लोकी के उस फेज में है जहाँ पे उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता और किसी पे भरोसा भी नहीं है, जैसा लोकी था थॉर 1 और एवेंजर्स के दौरान, जहाँ पे वो सब कुछ खत्म कर देना चाहती है, सब कुछ जला के यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलना चाहती है। और ऑन दी अदर हैंड लोकी, जो एक मैच्योर और समझदार इंसान की तरह बिहेव कर रहा है, जिसे सब कुछ बचाना है, सबको बचाना है, जो कहीं ना कहीं लोकी की कैरेक्टर डेवलपमेंट को भी दर्शाता है जो थॉर रैग्नारोक के बाद हुआ था, क्योंकि उसने ऑलरेडी देख लिया है अपना फ्यूचर और उसे पता है कि उसने क्या क्या कांड किए हैं, तो वो भी अब चाहता है कि वो भी सभी को बचाए। तो ये सीन भी काफ़ी अच्छा था। देन इन बिटवीन मिस मिनट्स और रिवोना उसी प्रिजन में आते हैं जहाँ पे ब्रैड के साथ साथ डॉक्स 5 और बाकी सभी को कैद कर रखा है, जहाँ पे वो उनको ये ऑफर देती है कि अगर तुम लोग मेरे साथ शामिल हो के टीवीए को हथियाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी सेक्रेट टाइमलाइन पे जो जिंदगी है वो वापस दे दूंगी। और एज ऑब्वियसली ब्रैड को यही सबसे ज़्यादा चाहिए था, तो उसे छोड़ के रिवोना के साथ और कोई भी नहीं आता, तो फिर वो सभी को बॉक्स में श्रिंक करके पिचका के मार देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है विक्टर, ओबी और कैसी पे, जहाँ पे वो लोग कामयाब हो जाते हैं अपने डिवाइस को प्रॉपरली रेडी करने में। फिर इसी दौरान विक्टर कॉफ़ी मशीन के बारे में जानने के लिए थोड़ा बहुत ऑब्सेस्ड हो जाता है, फिर उसे हंटर D19 लेके जाता है कॉफ़ी पीने, जहाँ पे ब्रैट हंटर D19 को प्रून करके विक्टर को किडनैप कर लेता है, लेकिन मिस्टेकनली प्रूनिंग स्टिक को वहीं पे छोड़ देता है, जो स्टिक लोकी उठाता है। और यहाँ पे हमें एक कमाल का शॉट देखने मिलता है, जिसमें हमें एपिसोड 1 का लोकी, यानी कि पास्ट का लोकी देखने मिलता है, जिसे प्रेजेंट का लोकी प्रून करके वापस भेज देता है। तो फाइनली हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया कि लोकी को आखिर किसने प्रून किया था, जिसका अंदाज़ा तो सभी ने ऑलमोस्ट लगा ही लिया था, लेकिन यहाँ पे हमें फाइनल कन्फर्मेशन भी मिल गया। और उसी के साथ साथ ये भी पता चल गया कि वो फ़ोन कॉल किसका था, तो वो फ़ोन कॉल था ओबी का। तो ये दोनों ही सवाल के जवाब हमें इस एपिसोड में मिल गए। और मोस्ट प्रोबेबली आगे के जो डिफरेंट सीन्स थे जहाँ पे लोकी टाइम स्लिप करके अलग अलग जगहों पे जा रहा था, उसके भी जवाब मिल जाएंगे। तो इन बिटवीन मिस मिनट्स पूरे सिस्टम को हैक कर लेती है, जिसकी वजह से
किसी के भी टेम्पैड्स नहीं चलते हैं, जिसे ठीक करने के लिए ओबी को पूरे सिस्टम को रीबूट करना पड़ेगा, जिससे वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी हट जाएंगे जिसके कारण कोई भी टीवीए में मैच नहीं कर पा रहा था। और यही तो हम सभी को देखना था लोकी और सिल्वी को मैचिंग करते हुए, जो कि हमें उतना नहीं देखने मिला, मोस्ट प्रोबेबली आगे देखने मिले। फिर वो लोग क्या करते हैं, ब्रैड को कंट्रोल करके रिवोना को प्रून करवा देते हैं, और अब प्रून होने के बाद रिवोना कहाँ गई और उसका क्या हुआ ये भी देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि उसकी कहानी भी आगे हमें और अच्छे से समझ में आएगी। फिर वो लोग जल्द से जल्द विक्टर को लूम तक लेके जाते हैं ताकि उसके ऑरा से लूम की गेट्स खुल सके, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये रहती है कि वहाँ का यानी कि टेम्पोरल लूम का जो रेडिएशन है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसको लेके भाई जो भी उसमें जाएगा लूम को ठीक करने, तो उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लूम को ठीक करके वापस भी आना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। और ये काम करने के लिए लोकी तुरंत डिसाइड करता है कि मैं करूँगा, पर विक्टर बोलता है कि नहीं मुझे जाने दो, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ हुई तो मेरे साथ होगी। और जैसे ही वो लूम में चला जाता है, लेकिन उसके बाद वो होता है जो हम में से किसी ने भी सोचा नहीं था, तो जैसे ही विक्टर सूट पहन के लूम में घुसता है वैसे ही वो ख़त्म हो जाता है, और वो शायद से मर ही गया है, क्योंकि जिस तरह से वो गया है, जिस तरह से वो वैनिश्ड हुआ है, वो सेम एंट मैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया का ये जो प्रोबेबिलिटी रूम था इसमें जैसे ये जायंट मैन का हाल हुआ था ना, सेम वैसा ही यहाँ पे विक्टर के साथ हुआ है। यानी कि शायद से विक्टर टाइमली का खेल खत्म हो गया है, मतलब हमें शायद से कोई नया वेरिएंट देखने मिलेगा कैंग का, या पता नहीं कौन सा वेरिएंट देखने मिलेगा, लेकिन देखने ज़रूर मिलेगा, जो कि हमें एपिसोड 5 और 6 में भी समझ में आएगा। फिर उसके बाद हमें सबसे भयंकर शॉट देखने मिलता है, जहाँ पे टेम्पोरल लूम जो है, जो पूरा का पूरा टेम्पोरल लूम है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है भाई, मतलब कि एपिसोड 1 से लेके अब तक ये सभी जिस चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे वो पूरा का पूरा वेस्ट हो गया। इवन अब तो ये भी नहीं पता कि टेम्पोरल लूम ख़त्म होने के बाद यूनिवर्स या मल्टीवर्स या कोई भी सेक्रेड या ब्रांच टाइमलाइन बचे भी है या नहीं, जिसको लेके स्टिल मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कि भाई आगे अब और क्या होगा, कि एपिसोड 5 में क्या होगा, लूकी सिल्वी मोबियस टीवीए ओबी इन सभी का क्या हुआ, कोई भी बचा है या नहीं, मतलब भाई बहुत सारे सवाल हैं जिसके ऊपर अपन आगे और भी इस हफ्ते में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए तुम अपने रिएक्शंस बताओ कि तुम्हें कैसा लगा ये एपिसोड देख के।